फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज किया गया था दोस्तों, तो उस ट्रेलर के अंदर एक्शन तो जबरदस्त था लेकिन स्टोरी को लेकर थोड़ा सा है ना मुझे डर लग रहा था, लेकिन फाइनली फिल्म को देखने के बाद वो डर भी निकल चुका है। नमस्कार, मैं हूं राहुल बोध, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में, ऋतिक रोशन वर्सेस टाइगर श्रॉफ। वाह यशराज प्रोडक्शन हाउस, क्या आपने दिमाग लगाया, और यही वॉर की वजह से आप फिर से माला माल हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सोचा आदित्य चोपड़ा जी ने, और आदित्य चोपड़ा ये कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट उन्हीं का ही जनरेटेड है जहां पर वो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को आपस में भिड़वाना चाहते थे। टीचर और स्टूडेंट आपस में भिड़े और उसके बाद उन्होंने फिल्म की जो जिम्मेदारी है वो सिद्धार्थ आनंद को दे दिया। एंड आई वॉज लाइक, सिद्धार्थ आनंद लास्ट फिल्म बैंग बैंग, फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा था लेकिन सेकेंड हाफ क्या था उसका। लेकिन अच्छा है, सिद्धार्थ आनंद साहब ने इस फिल्म के साथ पूरी तरीके से जस्टिस किया है। दोस्तों स्टोरी आप छोड़ ही दीजिए, स्टोरी तो बात ही नहीं करते हैं। स्टोरी अगर मैंने बता दी तो बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, और ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों ने ये बात बोली है कि भाई स्टोरी मत बताना। तो स्टोरी तो यही है कि टीचर और स्टूडेंट है, टीचर जो है रोग हो जाता है, यानी कि वो जो भटक जाता है रोग एजेंट बन जाता है, और स्टूडेंट उसके पीछे हाथ धो के पड़ा है। अब स्टूडेंट टीचर पे भारी होगा या नहीं होगा, टीचर स्टूडेंट पे भारी होगा या नहीं होगा, या दोनों मिलकर जो है देश के लिए कुछ काम करेंगे या दोनों मिलकर गद्दारी करेंगे, ये तो भाई फिल्म देखेंगे जब आप तब आपको पता चल जाएगी। फिल्म की सबसे अच्छी बात है फिल्म के डायलॉग्स। जी हाँ, अब्बास टायरवाला साहब ने बहुत शानदार डायलॉग लिखे हैं यार। मतलब कितने सारे डायलॉग्स मैं आपको याद दिला, वजीर प्यादा एक इस तरीके का डायलॉग है, या फिर टाइगर श्रॉफ के वन लाइनर्स ले लीजिए, और ऋतिक रोशन के वन लाइनर्स ले लीजिए, बहुत ज़्यादा उम्दा है और आप लोगों को सुनकर लिटरली मज़ा आ जाएगा। फिल्म की अगर डायरेक्शन की बात करें तो सिद्धार्थ आनंद साहब ने दोस्तों जो जलवा अपना सलाम नमस्ते और बाकी की अपनी स्टार्टिंग डेज की फिल्म में दिखाया था, वैसा ही जलवा यहां पर भी बरकरार रखा दोस्तों, और बैंग बैंग से 4-5 कदम वो आगे निकल गए हैं, क्योंकि डायरेक्शन उन्होंने पिक्चर परफेक्ट किया है, लिटरली मजा आ गया। दोस्तों बात करें अगर म्यूजिक स्कोर की, तो म्यूजिक स्कोर फिल्म का बहुत ज़्यादा अहम था, चाहे वो चेजिंग सीक्वेंस हो, चाहे वो इमोशनल सीन्स हो, चाहे वो कुछ कॉमेडी सीन्स हो जो कि बीच में आते हैं, जो कि मैंने अपने फर्स्ट हाफ में आपको बताया था। यहाँ पर म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर बनाया है, संचित बलहारा और अंकित बलहारा ने बहुत बढ़िया बनाया है। आप सुनेंगे आप लिटरली थ्रिल हो जाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इतना बेहतरीन और शानदार काम किया है। बात करें दोस्तों तो अभी बॉलीवुड है ना थोड़ा सा मंदी चल रही थी, हालांकि फिल्में अच्छी कर रही थी, जो स्मॉल बजट फिल्म है वो वंडर कर रही थी, फॉर एन एग्जांपल स्त्री, अंधाधुन बधाई हो, या फिर रिसेंटली ड्रीम गर्ल ले लीजिए, लेकिन ये बिग बजट की फिल्म है और ये बिग कर रही है, इसके लिए मैं ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे पर्सनली इसलिए ये फिल्म पसंद आई क्योंकि इसमें स्टोरी अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, सस्पेंस अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा सस्पेंस निकलता है जो कि हमने भी नहीं सोचा था, कुछ ऐसे आ रहे थे हिंट्स, पता चल रहे थे कि कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसे दिल से श्योरिटी नहीं आ रही थी, लेकिन जब हमने देखा तो लिटरली माइंड ब्लो हो गया। बात करी जाए दोस्तों अगर सिनेमेटोग्राफी की, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है, चाहे वो आर्कटिक ओशन के जमे हुए बर्फीले मैदान हो, या फिर दोस्तों माल्टा की लोकेशन हो, या फिर दोस्तों हमारी केरला की लोकेशन हो, हर जगह बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिस्टर बेंजामिन जैस्पर ने अपनी सिनेमेटोग्राफी में कमाल करके दिखाया है, और बाहर के खूबसूरत देशों की जो लोकेशन ग्रैब करी है वो लाजवाब है, लिटरली मज़ा आ जाता है। फिल्म एक्टर्स के कंधों पर है, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ। ऋतिक रोशन अगर कमजोर पड़ते हैं तो टाइगर श्रॉफ उनको ओवरकम कर देते हैं दोस्तों, वहीं टाइगर श्रॉफ अगर कमजोर पड़ते हैं तो ऋतिक रोशन उनके ऊपर ओवरकम हो जाते हैं। फर्स्ट हाफ के अंदर एक फाइटिंग सीन है जहां पर बहुत अच्छा कॉमेडी कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश की है, और दोनों ही एक्टर्स ने बहुत अच्छा मतलब उस सीन को आगे लेकर गए हैं। टाइगर श्रॉफ जिनकी एक्टिंग का, स्पेशली एक्टिंग नॉट लुक्स, हाँ लुक्स डिफरेंट होते हैं, एक्टिंग डिफरेंट होती है। मैं कायल नहीं था, आई वॉज नॉट सो फॉन्ड ऑफ टाइगर श्रॉफ एक्टिंग, बट टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के अंदर कोशिश की है और उन्होंने दिल जीतने की पूरी कोशिश की है मेरी, और मैं उनसे इम्प्रेस भी हुआ हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और एक्टिंग एक अच्छी करने की कोशिश की, क्योंकि उनके सामने कॉम्पिटिटर ऋतिक रोशन थे, तो भैया टाइगर श्रॉफ इम्प्रूव हो रहे हैं मैं ये कहना चाहूँगा, और टाइगर श्रॉफ अपनी एक्टिंग पे इसी तरीके से फोकस करके रखें और काम करके रखें ना, तो वो बहुत बहुत आगे तक जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा।
बात करें अगर ऋतिक रोशन की तो आई गेस आई एम नॉट हियर टू से एनी वर्ड अबाउट ऋतिक रोशन. ऋतिक रोशन इज द ग्रीक गॉड, ऋतिक रोशन इज द बाप ऑफ एक्टिंग. अगर बात की जाए तो एक्टिंग के मामले में उन्होंने सुपर 30 में अपने आप को प्रूव किया, जो कि मैंने आपको बताया था, और साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर भी उन्होंने एक्टिंग जबरदस्त की है. आई एम श्योर ऋतिक रोशन साहब के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक होगी, जो कि कमर्शियली बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि ये फिल्म में कमर्शियल हर एक एंगल डाला गया है. फिल्म का एक जो नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट हाफ में ही बताया था कि इसमें गाना जबरदस्ती आ गया. अबे क्या करें मेकर्स भी, जब ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों ही बेहतरीन डांसर को लिया है तो गाना तो बनता है. तो इसीलिए मुझे लगता है टू वू द ऑडियंस, टू चार्म द ऑडियंस, उन्होंने जय जय शिवशंकर डाला, जो कि नीडेड नहीं था मुझे ऐसा लगा. एंड इसको हम मतलब हटा भी सकते थे तो इससे स्टोरी में कोई फर्क नहीं पड़ जाता. बात करी जाए सरप्राइज पैकेज की तो वो थी वानी. वानी ने दोस्तों उनको जितना मतलब मुश्किल से 15 मिनट का उनका होगा तो जितना भी उनको दिया गया उन्होंने बहुत ही सादगी से निभाया है और बहुत ही सरल तरीके से अपने कैरेक्टर में वो जंप कर गई हैं और उसको जिया है. आशुतोष राणा साहब ने भी अच्छा काम किया है दोस्तों, बट ऐसा नोटिसेबल वर्क नहीं है. नोटिसेबल अगर जो आता है वानी का ज़्यादा आता है अगर बात की जाए तो. सो ओवर एंड ऑल कॉन्सेप्ट वाइज फिल्म अच्छी है, एक्टिंग वाइज फिल्म अच्छी है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं फिल्म के, डायरेक्शन इस बार उम्दा किया है सिद्धार्थ आनंद ने कंपेयर टू बैंग बैंग. तो ओवर एंड ऑल ये एक फुल मसाला एंटरटेनमेंट है और बहुत ही जल्द ये फिल्म जो है 100 करोड़ क्लब में दस्तक देगी. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 3 दिन में भी पहुंच सकती है आराम से, क्योंकि 2 अक्टूबर को तो छुट्टी है और उसके बाद बैक टू बैक दिन, तो हो सकता है चली जाए क्योंकि इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. स्टार्स की बात करें तो मैं इसे 5 में से 4 स्टार देना चाहता हूं, क्योंकि ये फिल्म देखने लायक है और आप इस फिल्म को फुल ऑन एंजॉय करेंगे फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम टू द लास्ट फ्रेम. ओ बाय द वे, 4 एक्शन डायरेक्टर्स की जो मेहनत निकाली गई थी उन्होंने बहुत लाजवाब काम किया है और सारे ही एक्शन सीन्स वेल कोरियोग्राफ्ड हैं, वेल रिसर्च्ड और वेल डिटेलिंग के साथ है. मजा आ गया. आपको क्या है कहना, आपका क्या है रिव्यू, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. बने रहिए चैनल के साथ, कीप ऑन वॉचिंग. राहुल भोज इसी तरीके के निष्पक्ष रिव्यूज आपको बताता रहे.